हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आणि कसं काय आहे मंडळी? लास्ट वीडियो में ना मैंने बहुत ज्यादा बड़ा वाला बवाल कर दिया कि आपको बिना कुछ बताए ही सीधा बजाज की जो अपनी डोमिनार है, बीलव डोमिनार, वो आपको दिखा दी। तो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन हो गया कि भाई आपने तो गाड़ी सेल कर दी थी और नई गाड़ी आने वाली है, तो अभी फिर से डोमिनार कैसे आ गया? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस। अपनी जो बाइक है वो अल्ताफ करके अपने सब्सक्राइबर है, उन्होंने गाड़ी ली थी जो कि अंधेरी में कहीं पे तो रहते हैं MS-02 में। तो हमारा जो था पूरा प्रोसेस पेपर वर्क का कि हाँ क्या क्या करना है, एजेंट को कैसे पकड़ना है, वो सब करके हो गया था। बंदे ने मुझे 50,000 रुपीज़ एज अ टोकन करके भी दे के रखे थे, जिसको मैंने लगभग 1.5 महीना यूज़ किया है। और जब ही हमारा फाइनल डील होने वाला था कि बॉस हाँ कल अल्ताफ भाई मुझे आके पैसे देने वाले हैं, तो उसी दिन उनका जो रिपोर्ट है कोविड पॉजिटिव आ गया। और सिर्फ उन्हीं का नहीं आया, उनके मॉम डैड और उनकी वाइफ, ये चारों का भी जो रिपोर्ट है वो कोविड पॉजिटिव आ गया। और अल्ताफ भाई के दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो सब एक ही साथ उनके ऊपर जो बोलते हैं ना कि भाई को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैंने भी यार ऐसा नहीं किया कि भाई क्या है कभी करना है, आपने मुझे 2 महीना अटका के रखा है, फिर ऐसा कुछ। मैंने विद इन 4 डेज पैसा जो है वो अरेंज किया और भाई को रिटर्न दे दिया। तो ये सब जो है ये सब कांड हुआ है पीछे। अभी जो अपनी डोमिनार है वो फिर से सेल के ऊपर है, एंड जो बाइक मुझे लेनी है अपग्रेड करना था वो मेरा फाइनल हो चुका था कि मुझे कौन सा गाड़ी लेना है। बट अभी वही है कि अगर डोमिनार सेल नहीं होगा तो यार मैं जो हूँ नया गाड़ी नहीं ले पाऊँगा, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि दो गाड़ी मेंटेन करने का भाई मेरे में तो ताकत नहीं है। अभी जो है अपन पहले डोमिनार को सेल करेंगे, मतलब अभी फिर से मैंने OLX के ऊपर डाल के रखा है गाड़ी। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो। आपको तो पता है आपके भाई ने गाड़ी जो है एकदम अच्छे से रखा हुआ है, टॉप कंडीशन में है। अगर कोई ख़रीदता है तो ठीक है, अगर नहीं खरीदेगा तो भी कुछ 4-5 जो राइड्स है वो मैंने जो प्लान की हुई है वो तो अपन डोमिनार के साथ कर ही सकते हैं। क्योंकि आज भी मुझे पता है कि अगर मुझे लद्दाख का प्लान करना है और मैं करूँ इस साल लद्दाख के लिए प्रिपरेशन, तो मेरी जो डोमिनार है वो 101% मेरा साथ देगी लद्दाख जाके आने में। इस तरह से मैंने उसको मेंटेन किया है, तो दैट्स व्हाई कोई इशू नहीं है। बिकेगी तो ठीक है, नहीं बिकेगी तो अपन उसी को चलाते रहेंगे, नो इश्यूज एट ऑल। अपना हुंडई वरना जो है उसको अभी हो गया है 6 साल, 2015 दिसंबर का मॉडल है और चल रही है लगभग 91,000 किलोमीटर। और आज जो है मैं इसका व्हील अलाइनमेंट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एवरी 10,000 किलोमीटर या फिर 8,000 किलोमीटर के ऊपर आपने जो व्हील अलाइनमेंट है वो करना चाहिए, उसकी वजह से आपका जो टायर है उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो दैट्स द थिंग, अभी व्हील अलाइनमेंट देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी पहले जो काम कर रहे हैं वो रहेगा टायर की बैलेंसिंग, जिस हिसाब से आपका जो टायर के वेट डाल के उसको एक बैलेंस किया जाता है, जिससे आपका जो टायर वो वॉबल नहीं होता ऑन द हाई स्पीड। और उसके लिए ये जो वेट्स है ये यूज़ करते हैं, तो यही सेम वेट्स मैंने अपने टैंक के ऊपर लगाए थे उसको मैग्नेटिक बनाने के लिए। तो जो आप सब लोग पूछते हो कि भाई वो कहाँ से लिया था, तो वो ये चीज़ है जो कि आपको व्हील बैलेंसिंग वाले के पास मिल जाएगी। Thank you.
ये है रियल मैजिक राकेश भाई का, कि राकेश भाई जो है वो पूरी तरह से मशीन के ऊपर रिलाय नहीं रहते, वो जो भी चीज़ है वो अपने हाथ से प्रॉपरली चेक करते हैं और फिर ही गाड़ी अपने को हैंड ओवर करते हैं। सो दैट्स वाई 8 ईयर से मेरा एक्सपीरियंस जो है इनके साथ बहुत अच्छा रहा है। और ये अभी हो गई एक फाइनल टेस्ट राइड, तो सब कुछ ऑल ओके है। फाइनली जो अपना मानसून सीजन होता है वो मुंबई महाराष्ट्र में पूरी तरीके से आ गया है एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस मानसून फॉर श्योर। सो गाइस फाइनली रेनी सीजन जो है वो अपने मुंबई में आ गया है एंड यही रेनी सीजन मैंने एक छोटी सी राइड जो है वो कर ली है ऑलरेडी, तो उसके कुछ फ़ोटोज़ मैं अभी आपको डाल रहा हूँ। ये फ़ोटोज़ आपको चेक करना है किधर के हैं, आपको दिमाग लगाना है। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर आप हो तो आपको डेफिनेटली पता है कि आपका अजिंक्य भाई एवरी मानसून में कहाँ पे जाता है, तो वही जगह पे मैं अभी अभी जस्ट जाके आया हूँ और नहा धो के आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो का एंड कर रहा हूँ। गाइस ये व्हील अलाइनमेंट का प्रोसेस मैंने क्यों बताया मुझे पता नहीं, बट ये जो राकेश भाई करके है ना, ये पिछले 8 साल से मेरी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करते हैं और आज तक कभी भी जो मेरे टायर्स है वो कभी भी ख़राब नहीं हुए। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगा कि चलो यार कुछ तो कंटेंट अपने को चाहिए तो बना लेते हैं। सो दैट्स वाई बना लिया। आई जस्ट होप कि आपको भी ठीक ठाक लगा होगा जो भी मैंने बनाया। सो नेक्स्ट वीडियो तो 101% राइड के रिलेटेड ही रहेगा। अभी जस्ट मुझे एक चीज़ चेक करनी है कि GoPro में कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने GoPro को जो है वो 3 से 4 महीने बाद यूज़ किया है। आई गेस लॉकडाउन होने से पहले जब भी मैं गुजरात गया था और उसके पहले कुछ जो अपन बाइक की सर्चिंग कर रहे थे वो टाइम के ऊपर मैंने GoPro यूज़ किया था, और उसके बाद जो GoPro हुआ वो पूरी तरीके से पड़ा हुआ था मेरे घर में। सो डोंट नो चला है नहीं चला है कैसे है, क्योंकि कुछ एरर तो वो बता रहा था। सो डोंट नो व्हाट इज़ द एरर, बट देखते हैं। आई जस्ट होप कि जो भी मैंने राइड किया है आज के दिन में वो अच्छे से रिकॉर्ड हुआ हो GoPro के अंदर। अदरवाइज मनीषा ने अपने S7 से रिकॉर्ड किया था क्योंकि वाटरप्रूफ फ़ोन है, तो उसमें से मैं कुछ बना लूँगा। बट हाँ, नेक्स्ट वीडियो कहीं ना कहीं बाहर का रहेगा, दैट्स फॉर श्योर, तो मज़ा आने वाला है आप सबको। एंड अबाउट द डोमिनार गाइस, देखते हैं यार सच में मैंने आज जो डोमिनार चलाया ना फिर से अपना, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी जान बाकी है और भाई तेरे को जितना चाहिए तो उसको यूज़ कर, उसको कुछ नहीं होने वाला है। और अगर कुछ होता भी है बाई चांस, लेट्स से कि अगर कुछ होता भी है, तो इट्स अ बजाज प्रोडक्ट, बहुत सस्ते में अपने को जो है वो पूरा फिक्स करके मिल जाएगा अपना बाइक। तो देखते हैं यार, अगर कोई बायर मिलता है तो मैं सेल करूँगा, अदरवाइज सेल भी नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है अपन इसको चला सकते हैं। जस्ट एक ही चीज़ है कि मैं बोर हो गया इसलिए गाड़ी को बेच रहा हूँ, बाकी दूसरा तो कोई इशू है नहीं गाड़ी में। सो अगर आप या फिर आपके कोई भी दोस्त न्यू बाइक के बारे में सोच रहे हैं कि भाई टूरिंग करना है ये करना है, तो अपना जो बाइक है वो टूरिंग रेडी बाइक है, तो उनको डेफिनेटली आप रेकमेंड करना अपनी बाइक। OLX की जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी है, तो देखना अगर किसी को लेना हो या प्लीज़ यार जेन्युइन बायर्स जो है वही कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि OLX के ऊपर है ना बहुत कचरा आ गया आज के डेट में। एंड गाइज अभी मुझे पता है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है ये साल लद्दाख लद्दाख लद्दाख, और आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर लद्दाख ही दिखने वाला है। हर एक यूट्यूबर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ये साल लद्दाख जाने वाला है, क्योंकि लद्दाख का जो सीज़न है वो ओपन हो चुका है और लद्दाख में कुछ यूट्यूबर्स तो ऑलरेडी पहुँच भी गए हैं। तो जैसे आपका अजिंक्य भाई हमेशा करता है, क्राउड में अपने को नहीं जाने का यार, अपन कहीं पे तो यहीं पे महाराष्ट्र में मैंने एक्सप्लोर करने का बहुत ही बढ़िया सा प्लान बनाया है। आप बोलोगे कि यार अजिंक्य क्या प्लान ही बनाया, मतलब दैट विल बी बेटर देन लद्दाख, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि बहुत एडवेंचर होने वाला है वो ट्रिप में। तो आप रेडी रहना अपने नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको नेक्स्ट राइड वीडियो में मिलूंगा मैं, तब तक राइड सेफ ड्राइव सेफ, बाय गाइज़।